सर नमस्कार, मैं स्पेशल टीचर मुरसलीन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समालका पानीपत से। जैसा हमारे घर से पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और सामान्य बच्चों के लिए वीडियो डालते हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है जो चला हुआ है पहले से हमारे टॉपिक में पिछले लेक्चर में जो हमने किया था वो नरेशन के अंदर WH के वाक्य के क्वेश्चन मार्क इंटरोगेशन के जहाँ इफ लगता हो या WH के वाक्यों में किया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नरेशन में इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम रिपोर्टिंग वर्ब के जो भाव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बदलते हैं। जैसा हम अलास है, अलास को हम एक्सक्लेम्ड विद सोनो में बदलेंगे, और हुर्रा है तो उसको हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में बदलेंगे। बराबर है तो अपना डिड ही सेम, तो हम इस तरह चेंज करते हैं डिफरेंट। प्लीज है तो रिक्वेस्ट के अंदर हो जाओगा। कोई भी भाव के अकॉर्डिंग हम जैसा एडवाइज्ड देते हैं, एडवाइज्ड, फॉरबेड, तो विश्ड, तो ये इस तरह हम चेंज करते हैं। अब जैसे सेड टू को हम ऑर्डर में भी बदलते हैं, रिक्वेस्ट में भी बदलते हैं, बैग्ड में भी बदलते हैं, और हमारा अब टू का यानी के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं हम, जहां दैट का प्रयोग किया जाता है कोमा हटाकर वहां टू का प्रयोग करते हैं। लेट हो तो हम लेट को हम माइट बी अलाउड टू या लेट को शुड में बदला जाता है। अब हम ये सेंटेंस करते हैं, देखते हैं। जैसे ही सेड टू मी हेल्प द पुअर, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कॉमास शुरू। इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि हम वर्ब से शुरू होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। हेल्प द पुअर, नॉट विद कॉमास। तो यहां हमने सेड टू को चेंज करना है, भाव क्या है लोगों की मदद करने के लिए, जो भाव है हमारा तो वह लोगों की मदद करने के लिए कहा गया। तो हम लोगों की मदद के लिए हम सलाह भी दे सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं कि सेड टू को हम आस्क में बदल देंगे, ही आस्क मी, और इन्वर्टेड कॉमास के लिए हम टू का प्रयोग करेंगे, टू हेल्प द पुअर और फुल स्टॉप। तीसरा नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, द मदर सेड टू लीला डू नॉट वेस्ट योर टाइम। द मदर सेड टू लीला डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो इस सेंटेंस को हम दो तरीके से करते हैं। एक तो यहां भाव इसके अंदर क्या है, सलाह देने का भी भाव है। नंबर दो एडवाइज का भी, एडवाइज हो गया सलाह देना। नंबर दो मना करना, ठीक है। तो हम जो पहला है दोनों तरीके से हम इस सेंटेंस के नरेशन चेंज करेंगे। तो सेट टू को हम एडवाइज में बदलेंगे, तो द मदर एडवाइज
एडवाइज्ड लीला, तो यहां डू नॉट है, तो हम जहां इंपेरेटिव सेंटेंस होता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जहां शुरू होता है तो हम वहां डू का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहां डू नॉट है तो और एडवाइस सलाह दी गई है तो हम नॉट टू वेस्ट हर टाइम, नॉट टू वेस्ट यूअर जो है ये लीला के अंदर जाएगा, क्योंकि जो मैंने पहले भी आपको समझाया है ये एस ओ एन 1 2 3 यानी कि ये हमारा क्या है रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टिंग स्पीच। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट में है तो ये हम बदल लें, तो हम जो हमारे प्रोनाउंस हैं उनको हम किस तरह बदलते हैं, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को हम इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, यानी कि सब्जेक्ट इज चेंज अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब और थर्ड पर्सन इज नेवर चेंज। तो वेस्ट यू यूअर है तो इसका ऑब्जेक्ट में जाएगा, यहां लीला है तो लीला यूअर लीला 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 लड़की है तो यूअर की जगह हर हो जाएगा, तो हर टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस नहीं, इसका जो दूसरा है जो हमने पढ़ा था द मदर forbidden यानी कि ये इसकी सेकंड फॉर्म है forbid लीला। अब यहां forbid का मतलब होता है मना करना, तो यहां मना करना है तो यहां मना कर दिया यानी कि लीला को मना किया इससे अपना टाइम बर्बाद करने से, तो यहां टू वेस्ट हर टाइम, क्योंकि फॉरवर्ड के अंदर यहां ये जो नेगेटिव था तो ये फॉरवर्ड के अंदर आ गया फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्डर तो वेस्ट देयर ये वेस्ट हर टाइम ये इस तरह चेंज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम मान लेते हैं तो हर सेड टू मोहन लिसन टू व्हाट आई से, हर्ष सेड टू मोहन लिसन लिसन व्हाट आई सेड व्हाट आई से लिसन टू व्हाट आई से लिसन टू व्हाट आई से। क्वेश्चन मार्क है इसके अंदर नहीं तो व्हाट आई से। अब यहां हर्ष आस्क मोहन या हर्ष जो है वो आस्क हो सकता है और हर्ष आस्क भी होगा, इसके अंदर कोई और भाव तो दिखाई नहीं दे रहा, तो हर्ष आस्क मोहन आस्क मोहन to listen listen to what I है, हर्ष में चला जाएगा यानी कि फर्स्ट पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहां हर्ष रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है तो ही हो जाएगा I ही, और ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बदलेगा व्हाट ही सेड, ये इस तरह होगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं आई सेड टू माय फादर अलाउ मी टू गो ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप
प्लीज आई सेड टू माई फादर अलाउ मी टू गो गो होम है गो टू गो ऑन एन एजुकेशनल ट्रिप गो ऑन एन एजुकेशनल एजुकेशनल ट्रिप इनवर्टेड कॉमास प्लीज एजुकेशनल ट्रिप यहां लास्ट में प्लीज भी प्लीज अब प्लीज जो है प्लीज रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट का भाव दिखाता है यानी कि प्लीज जो है यहां रिक्वेस्ट का भाव दिखाता है तो यहां क्या होगा आई रिक्वेस्टेड टू माय फादर ठीक है यहां लिखेंगे आई सेड टू को हमने प्लीज है तो रिक्वेस्ट में बदल देंगे आई रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड माय फादर अब यहां ये इसको हटाने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं टू अलाउ अलाउ मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो मी का मी रह जाएगा क्योंकि वहां भी फर्स्ट पर्सन है और यहां भी फर्स्ट पर्सन है अलाउ मी टू गो ये बात ध्यान रखना जहां टू इंफिनिटी का प्रयोग हो तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है टू गो ऑन एन एजुकेशनल एजुकेशनल ट्री तो ये इस तरह सेंटेंस हो जाएगा एक सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द कमांडर सेड टू हिज मैन मार्च फॉरवर्ड तो यहां कमांडर क्या करता है कमांड करता है ऑर्डर देता है तो यहां इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं द कमांडर कमांडेड हिज मैन सेड टू को हम कमांडेड में बदल देंगे नहीं तो ऑर्डर में बदल देंगे द कमांडर ऑर्डर्ड हिज मैन टू मार्च फॉरवर्ड तो द कमांडर कमांडर ऑर्डर
ऑर्डर और डी ऑर्डर बीच मैन टू मार्च फॉरवर्ड, यानी कि आगे बढ़ो मार्च फॉरवर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, ही सेड टू मी ओपन द डोर, ओपन द डोर। ही सेड टू मी ओपन द डोर। इसमें क्या होगा, सेट टू को हम इसमें भी ऑर्डर में बदल देंगे, तो ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। तो यहां इंपेरेटिव सेंटेंस का हमारा ये टॉपिक आज की वीडियो में इतना ही समय, तो हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। तो इसके अंदर अगले लेक्चर में हम इंपेरेटिव सेंटेंस का और ज़्यादा अभ्यास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार, मैं स्पेशल टीचर मुसली अपने लेक्चर के लिए समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।